ପଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବାଡମେର, ଜାଲୋର ଏବଂ ସିରୋହି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାଲି, ଯୋଧପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପବନ ବହିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, 500ରୁ ଗାଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। जय को लेकर के अब जोधपुर में भी असर दिखने लगा है। तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिन भर से बरसात का जो दौर है वह रुक रुक कर और कहीं तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम स्तर की जो बरसात है वो जोधपुर में देखने को मिल रही है। लगातार जो विप्र जॉय को लेकर के बात कही जा रही थी उसका असर अब जोधपुर में भी आज 17 तारीख को दिखने लगा है। हालांकि जोधपुर में आज के दिन रेड अलर्ट की बात कही गई थी और उसके बाद में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई थी। उसकी अगर बात करें तो जोधपुर में लगातार जो है तेज हवाओं का दौर और दिन भर बरसात का दौर जारी रहा है। अधिकारियों की अगर बात करें तो SDRF की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। राउंड द क्लॉक शहर के अलग अलग हिस्सों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दौरा लगातार जारी है। जानकारी ये भी आई है कि 2 SDRF की टीमों को जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना किया गया है। उसके अलावा RSC की भी एक टुकड़ी को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ साथ तमाम अधिकारी भी शहर विजिट पर रहे हैं। मुख्य रूप से जो डूब क्षेत्र माने जा रहे हैं जोधपुर के, जिसमें कि डर्बी कॉलोनी की बात करें या रूपनगर का एरिया और उसके अलावा कायलना क्षेत्र है, वहां पर भी लगातार SDRF की टीमें गश्ती दल के रूप में विजिट कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों को एहतियातन चेतावनी भी दे रही है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग के अनुसार देर शाम और 18 तारीख के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, News 18 राजस्थान। आज प्रसारित हो प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम चलित मास 25 परिवर्तन 18 तारीख में अर्थात आज दिन 11 प्रसारित हो प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम। प्रति मास शेष रविवार प्रसारित होता है प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री भाव में दायित्व नेवापर नरेन्द्र मोदी रेडियो मध्यम देशवासी सहित सीधासलख कथबार्ता होती। 2014 अक्टोबर 3 तारीख दिन आरंभ होता यह कार्यक्रम 101 एपिसोड प्रसारित हो सारी। आज दिन 11 बेले 102 एपिसोड प्रसारण हो। बात्या विपर्य बात्यार प्रभाव कमी लोकों समस्या बढ़ी। गुजरात 10 जिले क्षयति होती। कच्छ, द्वारका, मांडवी अंचल अधिक प्रभावित तो होती। घर छपर उड़ी आश्रयस्थल में पा पशि कौन जीवन हानि होन बेले 30 जन आहत होता जमापड़ी। अनेक कच्चा घर भांगी बेले गृहपात पशु प्रभावित तो होती। प्राय 80,000 विद्युत खुंट उपुड़ी पड़ता बेले 33,000 सोलार पॉइंट प्रभावित तो होती। 4,600 अधिक गाँ एवं अंधार रही। गुजरात रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बात्या विपर्यय जीवा परे आकाशमार्गर स्थिति परखिछंती। शाह परे मांडवीर एक हस्पिटाल को जाई लोकों को भेटिछंती, सेमानंक समस्या बुझिछंती, प्रभावित अंचल प्रदर्शन करी NDRF सदस्यों आलोचना करछंती। भल काम देइछंती साबासी रिलीफ कैंप को जाई प्रभावित लोकों मध्य भेटिथिले। ग्राउंड रे स्थिति परखिया परे उच्चस्तरीय बैठक डाकिथिले शाह। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल वरिष्ठ अधिकारी सामिल होइथिले। बैठक रे क्षयक्षति आलोचना होइछि। उत्तर पूर्व राज्य में भयंकर भूस्खलन। दक्षिण आसाम, त्रिपुरा, मिजोराम एवं उत्तर मणिपुर में लगा वर्षा फल भूस्खलन होती। मेघागया जातीय राजपथ